आप एकदम करूँ और चार पांच आदमी ने सस्पेंड करी और अंगमत मुकदमा करी तो आप हमने ठंडा पड़ जाओ निंदा आने ले पड़ा परसों कोई आपसी विवाह था, दो चार लड़कों के खिलाफ मारपीट का आपसी विवाह था, उसके कारण पुलिस द्वारा जो दोषी अधिकारी, सारे पुलिस वालों को नहीं कह सकते, जो दोषी अधिकारी थे उन्होंने जो कुरुकृत्य किया है उन लोगों के साथ, उनको बाल काट के मार्केट में सरेरा घुमाया, ऐसा कोई उन्होंने 302 या 307 वाली धारा या कोई बड़ा गैंगवार, कोई बड़ा हत्याकांड, जो हत्याकांड अभी चार दिन पहले हुए उनके साथ भी ऐसा नहीं किया, श्रद्धा के 36 टुकड़े किए उनको भी कुरुकृत्य पुलिस ने नहीं किया, क्योंकि पुलिस अपना काम कर सकती, नॉट अ जुडिशली, आप जस्टिस नहीं कर सकते, क्योंकि जस्टिस तो कोर्ट ही करेगा। तो हम सर्व समाज उनके खिलाफ आए हैं कि जो दोषी कार्रवाई, जो दोषी पुलिस वाले हैं उनके खिलाफ हमको न्याय मिलना चाहिए, और जो उन लड़कों को पूरे मोहल्ले के अंदर, माता के थान के अंदर उनकी बेइज्जती की है, उनकी बेइज्जती क्यों कीजिए, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया था, और किया था तो ठीक है, नो डाउट, आप उनको पकड़ें, पुलिस उनको गिरफ्तार करें, न्यायिक पर अभिरक्षा में भेजें, फिर जो न्यायालय का जो फैसला आएगा वो सर्वमान्य है। दोषी अधिकारियों ने जो फिर हमारे समाज जम्बोजी विष्णु ने जम्बोजी समाज की पंथ की संचालन किया था आज से 550 वर्ष पूर्व, उस समय हमारे विष्णु मुंडन कराया गया, उससे हम विष्णु ही बने थे, इसलिए कोई ये भी कह रहे हैं कि हमने वापस मुंडन करा दिया, मोडो का मुंडन करा दिया, इससे भी हमारे समाज में पूरा पूरा रोष है, और हमारे समाज के साथ 36 कौम के सर्व समाज के लोग आए हैं कि उन लड़कों के साथ ये गलत गया है। आज कल की तारीख में वो लड़के थाने में या जेल में वो शर्मिंदगी के मारे अगर उन्होंने फांसी खा ली, तो अगर वो उनके दिमाग में आएगा हमारी समाज में बेइज्जती हो गई है तो क्या होगा। इसलिए संजय जानी, भारतीय जनता पार्टी जिला उपाध्यक्ष, लेकिन ये आक्रोश है, अपना आक्रोश प्रकट करने का इन्होंने एक तरीका बता दिया, और हम लोग प्रजातंत्र तरीके से लड़ने वाले, शांतिपूर्ण तरीके से लड़ने वाले लोग हैं, और लाखों की संख्या में है, मानते हो इस बात को? यस। और हम लोगों को, मैं ये कह रहा हूँ, इस बात को हम लोगों को और लोगों के बीच में भी, 36 कौम के लोगों के बीच में जाना चाहिए, और ये एक अमानवीय कृत्य है, और इस अमानवीय कृत्य की जितनी निंदा करनी चाहिए और निंदा हमें करनी चाहिए। 363 खेजड़ली शहीदी धाम, वहां से आए हो ना आप सब? तो एक बार जयकार हो जाए सबका, बोलिए 363 शहीदों की, बोलिए विष्णु भगवान की, बोलिए गुरु चंद्रेश्वर भगवान की, बोलिए वंदी थी रक्षार शहीदों की। ये जो लोग आज पुलिस कमिश्नर जोधपुर के बाहर बैठे हैं, एक पर्यावरण प्रेमियों का छोटा सा टेलर है, और टेलर क्यों है इसका एक बहुत बड़ा कारण हो गया, दो चार बजरी मजदूरों की लड़ाई में, मैं फिर कह रहा हूं, दो चार बजरी मजदूरों की लड़ाई में पुलिस ने जो मिलकर खेजड़ली के दो सगे भाइयों को उनका मुंडन करके उनके सर से बाल काटे गए, मुझे ऐसा लगता है ये जैसे मुगली राज है, क्या मुगलों का राज है क्या? नहीं। ये प्रजातंत्र है भाई, अगर कोई उसमें दोषी जांच में पाया जाता है तो उसके लिए अदालतें बनी हुई है, अगर पुलिस सब कुछ करने लग गई तो फिर अदालतों को बंद कर देना चाहिए। अगर दो मजदूर भाइयों को घर से उठा करके लाना, और लाना नहीं, वो भी किसी भी समाज के जो वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, मात्र पुलिस ने लाई नहीं है, पुलिस उनके कहने से वो वहां हाजिर हुए हैं कि भाई हम लोग उसमें सम्मिलित नहीं है, अगर वो दोषी होते तो पुलिस थाना में क्यों आते भाई? एक बात बताओ, अगर किसी के ऊपर मुकदमा दर्ज होता है गंभीर अपराध में, मुकदमा से 307 में हुआ होगा, तो ऐसे लोग अगर थाने में आते और थाने में पूछताछ के नाम पर उसको हिरासत में लेकर के उनके सर से बाल काटना, ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है समाज को
बदनाम करने का, क्यों? आपको पता है इसके पीछे क्या लॉजिक है? इसके पीछे ये लॉजिक है कि बिश्नोई समाज आज से 550 वर्ष पूर्व गुरु जम्बेश्वर भगवान ने जब हमें 29 नियम दिए, उन 29 नियमों में जब जाट समुदाय या अन्य समुदाय से जब बिश्नोई बने, तब गुरु जम्बेश्वर भगवान के आज्ञा अनुसार एक वैदिक धर्म की स्थापना हुई जिसका नाम था बिश्नोई धर्म। और उसमें गुरु जम्बेश्वर भगवान की आज्ञा से उन लोगों ने मुंडन करवा के अपना धर्म ग्रहण किया। और उसी के ऊपर पुलिस के द्वारा, मैं तो ये कहूंगा कि 2-4 पुलिस अधिकारियों के षड्यंत्र के माध्यम से इस तरीके से समाज को बदनाम करना, ये कतई जो है, मैं ये कह रहा हूँ, ये कोई अतिशयोक्ति इसको नहीं कह सकते। ये मतलब ये अपना आप में एक षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र की हम लोग निंदा करते हैं यहाँ बैठ करके। भाई प्रजातंत्र में हम लोगों के वोट से हमारे जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं जो कि हमारे सामने बैठे हैं। और खिजड़ली में हम लोगों ने जो बैठक की, उस बैठक में भी स्थानीय जो हमारे विधायक जी है, पूर्व विधायक जी है, वो भी वहां आए। उन्होंने भी इस घटना की जो निंदा की है, उन्होंने इस घटना की प्रार्थना की है। तो क्या समाज चुप रहेगा क्या इस बात पे? मैं ये कहूंगा ये समाज की बात नहीं है, 36 कौम की बात है। ये हिंदू धर्म और सनातन धर्म में किसी को मतलब जो मोड़ा करके उसका मुंडन करके उसका रोड शो करना, ये कहाँ का कानून है भाई? ये कौन लोग है इस जोधपुर कमिश्नरेट में? ये कौन आतंक फैला रहा है इस तरीके से? अगर उसमें जांच का विषय कोई दोषी है तो गिरफ्तार करिए, विश्व समाज उसको जो है उसका सहयोग करेगा अगर उसमें कोई दोषी पाया जाता है। लेकिन उनको जाति सूचक शब्दों से बोलना, क्या मोडा को मोडा नहीं कराना, अनखाई करा गया जानो। ये बातें जो सोशल मीडिया के माध्यम से जब आई तो हमारे भी थोड़ा मन में बड़ी तकलीफ हुई भाई, इस तरीके से ये क्या है? ये हम लोग वो लोग हैं जिन्होंने पर्यावरण के लिए 363 लोगों ने अपनी जान दे दी, वो भी तो भाई मुंडन किए हुए लोग भी थे, उनके सिर पे बाल थोड़ी थे। हमारी माताएं बहनें वहां क्यों शहीद हो गई, किस लिए हुई? वो इसलिए हुई कि या कहीं ना कहीं जो हमारी प्रकृति बचे, ये मानव जीवन बचे। पर भी पुलिस का काम गलत है। हमने एक ज्ञापन टाइप किया है, आदरणीय जितने भी पुलिस अधिकारी यहाँ मेरी बात को सुन रहे हैं, और ये ज्ञापन हमने पुलिस कमिश्नर जोधपुर के नाम से एक जो है लिखित में हाथ से लिखा गया है, उसमें ये लिखा है, सेवा में श्रीमान पुलिस कमिश्नर महोदय, पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर, माता का थान थाना क्षेत्र में मजदूरों के आपसी झगड़े में 2 लोगों का मुंडन यानी मोड़ा करके अमानवीय तरीके से सड़क पर घुमाने तथा समाज विशेष के नाम से गाली देकर निर्दोष लोगों से मारपीट करने का मुकदमा दर्ज कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। किन के खिलाफ भाई? किन के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए? तो हम यही तो मांग कर रहे हैं, तो एक बार जोरदार जयकारा बोलो, ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर उसमें दोषी पुलिस अधिकारी कोई भी संलिप्त है तो उनको तत्काल बर्खास्त कर दिया जाए। जोधपुर में ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है, यहाँ सब सभी लोग हैं। आपसी 2 मजदूरों के झगड़े में जिस तरीके का जो तुल दिया गया और समाज विशेष को टारगेट किया गया, ये गलत और निंदनीय है। इसके तहत उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र के माता का थान क्षेत्र में 14 दिसंबर की घटना है ना, बजरी मजदूरों के आपसी मन मुटाव झगड़े में दर्ज प्रकरण संख्या 293 मुकदमे क्रॉस दर्ज है भाई आपस में, वर्षेज 295/2022 जो कि क्रॉस मुकदमे दर्ज हुए हैं। इस मुद्दे में समाज के वरिष्ठ लोगों द्वारा संदेश के बाद 2 मजदूर बजरी मजदूर राकेश पुत्र भैपाराम मालाराम पुत्र भैपाराम निवासी खेजड़ली को पूछताछ के लिए बुलाकर सिर्फ हिरासत में ही नहीं लेकर उनके साथ अमानवीय तरीके से मारपीट की गई। 2 सगे भाई मजदूरों के सिर पर से पुलिस अधिकारियों द्वारा बाल काट कर मुंडन यानी मोड़ा करना, फिर मजदूरों को मुकदमे की खाना पूर्ति कर सड़क पर रोड शो करना
और जाति सूचक शब्दों से प्रताड़ित करने की जो घटना है, इस संबंध में हम लोगों ने ये ज्ञापन टाइप किया है और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ पहली हमारी जो मांग है कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। जो हम लोग कानूनी कार्रवाई हम जो लड़ रहे हैं वो तो लड़ेंगे, लेकिन उन अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज और उनको तुरंत बर्खास्त किया जाए, इस मांग को लेकर के हमने आज जो है यहाँ धरना दिया है और प्रदर्शन किया है। और प्रदर्शन के दौरान हम आपसे ये मांग कर रहे हैं, जो जनता आप बैठी हो, मैं कहूंगा दोषी पुलिस अधिकारियों को आप कहोगे बर्खास्त करो, बर्खास्त करो दोषी पुलिस अधिकारियों को। हाथ ऊपर करो भाई, दोनों दोनों हाथ ऊपर। दोषी पुलिस अधिकारियों को, दोषी पुलिस अधिकारियों को, दोषी पुलिस अधिकारियों को। और अगर किसी को जो मीडिया बंधु खड़े हैं, मैं मीडिया बंधुओं से विशेष निवेदन करना चाहूंगा कि अगर कोई पुलिस अधिकारी, आप भी तो अपनी स्वतंत्र एजेंसी हो, अगर पुलिस किसी अधिकारी के द्वारा इस तरीके की बात या जाति शब्द गैंग शब्द, एक दो मजदूरों की लड़ाई को आप गैंग बना रहे हो। गैंग क्या होती है, क्या पता है क्या गैंग, गैंग क्या शब्द होता है? गैंग की कोई जाति नहीं होती भाई। यहाँ दो मजदूरों को इस तरीके से करना ये ठीक नहीं है। और मैं मीडिया बंधुओं से निवेदन करना चाहूंगा कि वो जो भी अपने अखबार में प्रिंट मीडिया के माध्यम से जो गलत खबर छापते हैं, गलत खबर का मतलब समझे आप, जाति सूचक शब्दों को टारगेट करके बिश्नोई समाज को बदनाम करने के जो षड्यंत्र है, उसके खिलाफ हमारी आवाज है। आप सुन लेना आप इस तरीके, हम इसका कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज तो ये टेलर है, अभी तो लड़ाई बाकी है। 24 घंटे का टाइम हम कमिश्नर साहब को यहाँ इस ज्ञापन के माध्यम से देके जा रहे हैं। 24 घंटे के बाद यहाँ जितने लोग, आप 400 500 हजार लोग हो, एक एक लोग अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, आपके पास मोबाइल है ना, निकालो फिर उसका क्या है? आप अपने एक दूसरे को गाली थोड़ी दे रहे हैं, हम तो हमारे समाज के जो खिलाफ जो षड्यंत्र है उसका पर्दाफाश कर रहे हैं। आप इस तरीके से उन लोगों को बुलाइए, अगर पुलिस हमारे खिलाफ इस तरीके के षड्यंत्र और ऐसे निर्दोष लोगों को फंसाने का काम करेगी तो हम लोग यहाँ खड़े होकर के अपनी आवाज को बुलंद करेंगे और इस लड़ाई को अंतिम क्षण तक लड़ेंगे। क्या तैयार हो? बीजो आवाज को नहीं, तैयार हो? तो तैयार हो तो ज्ञापन तैयार है। और यहाँ हम ये कोशिश ये करेंगे कि साहब अगर हमारे इस प्रजातंत्र में हमारी बात सुन ले, हमारे बीच में आकर के, तो साहब को भी, साहब का भी मान सम्मान हो जाएगा, कमिश्नर साहब का भी। और मैं एक और निवेदन कर रहा हूँ, अगर कोई इस तरीके के अपराध में जो संलिप्त जो लोग, जो भी लोग हैं, हम उनकी कोई पैरवी नहीं करना चाहता, विश्व समाज कभी पैरवी नहीं करता, लेकिन इस तरीके से मोडा करके और मोडा शब्द यूज करना, सोशल मीडिया में किस तरीके की भाषा बोली गई है पुलिस अधिकारियों के द्वारा, आप सुनोगे तो आपके घर बैठे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये क्या तरीका है भाई? जो भी अखबार जिस तरीके की कोई खबर छापता है, तो कृपया आप इस तरीके की खबरों पे जो है, इस तरीके की खबरों पे जांच पड़ताल कर ले, समाज के व्यू को भी जांचे। मेन मुद्दा तो है पर्सनल झगड़ो हो चौधरी गए बिश्नोई गए, ठीक है, पिस्तूल लेन बो चौधरी आयो बिन मारने वास्ते, डाडी करावे ना बन नहीं गयो तेरे भाई मा, तो पिस्तूल तान दी चार फायर होगा बिंगे, बाद में बन बाटो भाई पिस्तूल नीचे पड़ गई बिंगे ठोका पिंजो हुई, बा कैमरे के अंदर कैद नहीं है, जकी घटना हुई कैमरे में कैद हुई, बात चाल ठोकन वाली हुई, बस दैनिक भास्कर है नी जकी सब झूठी खबर छापिया करे, इनमें कोई फर्क नहीं है, दैनिक भास्कर की कोई न्यूज नहीं पढ़ेला बजरी यूनियन, एंड एक जात ने विशेष टारगेट करे विष्णु खनन माफिया, सतीश कौमी खनन को काम करे, ठीक है, बजरी ज्ञापन की हमेशा एक परंपरा रही है, चाहे कलेक्ट्रेट में हो चाहे कमिश्नर कार्यालय में, बहुत क्यों पहले भी बहुत सारा समाज या बहुत सारा प्रतिनिधि मंडल आया और मैं आप इकट्ठा हूँ और आपको जितनी बात है बात सही है, जमीन माता बैठा भी रहा है सारी चीज, कलेक्ट्रेट में भी आई है कि हमेशा बाहर जो गेट के ऊपर खड़े होते हैं पूरा सब लोग खड़े होते हैं, उसके बाद में उनका एक प्रतिनिधि मंडल है जो 5 सदस्य हो सकता है, अधिकतम 11 लोग, वो अपने आपके यहाँ से नियुक्त हो जाए
वो लोग चल के और आराम से अधिकारियों से बात कर ले और अपना पक्ष रख ले, और उसके उसके बाद में जो आपको अगर कलेक्टर साहब को ज्ञापन देना है तो शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ से वहां जाके वहां पे भी वही वापस प्रतिनिधि मंडल तय हो जाए और वो अपना ज्ञापन दे दे, उसको कोई दिक्कत नहीं। 10 मिनट का काम है।